कक्षा 11वीं इतिहास मेसोपोटामिया की सभ्यता का अन्य सभ्यताओं से क्या संबंध था, कैसा संबंध था, इस बारे में आपको समझाने जा रहा हूँ। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी विश्व की प्राचीन सभ्यताओं से संबंध था उसका। हड़प्पा हो गई, मिस्र हो गई, चीन की सभ्यताएं हैं, इसके समकक्ष थी, समकालीन थी। हड़प्पा सभ्यता को विभिन्न जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हो रही थी, उत्खनन हो रहा था, तो जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उससे ज्ञात होता था कि सुमेरिया और बेबीलोन के लोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों के साथ कैसे व्यापारिक संबंध रखते थे। मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, सभ्यता के राजनीतिक इतिहास से क्या ज्ञात होता था कि मेसोपोटामिया और मिस्र के मध्य राजनीतिक एवं कूटनीतिक तथा आर्थिक और व्यापारिक संबंध कैसे थे। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वह जो वर्ल्ड होता है, विश्व होता है, उसकी देन थी, उससे कैसे रिलेशन थे, इस बारे में क्या है। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता बहुत प्राचीन था, उसका जो शहरीकरण हुआ, उसका जो विकास हुआ, उसका जो विश्व को मेसोपोटामिया की सभ्यता ने क्या उपहार दिया, क्या भेंट दी, जिनका आज भी किसी ना किसी रूप में मानव जीवन में उपयोग एवं महत्व है। विश्व में सबसे पहले नगर राज्यों एवं साम्राज्यों के दर्शन हमें इसी सभ्यता से प्राप्त होते हैं। क्या होता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता इतनी प्राचीन है, जितने भी साम्राज्य हुए, जितने भी नगर और शहरों का विकास हुआ, जितने भी राजा महाराजाओं ने उनको लाइन मिली है, उनको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, वह मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही प्राप्त हुआ है। कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम इसी सभ्यता में किया गया था। सिंचाई की सबसे पहली व्यवस्था की जानकारी भी मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्राप्त हुई थी। मेसोपोटामिया में ही लिपि का व्यापक विकास हुआ। इतिहास के प्रथम विद्यालय और पुस्तकालय की जानकारी भी इसी सभ्यता से प्राप्त होती है। हम्मुराबी की विधि संहिता इस सभ्यता की प्रमुख देन मानी जाती है। विश्व इतिहास में इस विधि संहिता का विशिष्ट स्थान है। हम्मुराबी ने विधि संहिता बनाकर आज के विश्व को यह बताने के लिए मजबूर कर दिया, मानव की सर्वोच्चता सर्वोपरि है, समय कालगति पंचांग सर्वोदय तथा सूर्य वर्षा आदि की गणना इस सभ्यता की वैज्ञानिक प्रगति के प्रतीक है। वर्तमान समय में गणित, ज्योतिष विज्ञान, खगोल शास्त्री पद्धति इसी पर आधारित है। इस विवेचना से स्पष्ट होता है मेसोपोटामिया ने विश्व की सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस सभ्यता की उत्कृष्ट भेंटे आज वर्तमान समय में भी उपयोगी बनी हुई है, इसका महत्वपूर्ण स्थान है। कालचक्र क्या था? कालचक्र जो समय बीत गया, गुजरा हुआ समय है, को कालचक्र कहते हैं, जो एक समय के अनुसार चलता रहता है। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी,
उसने विश्व को आर्थिक, राजनीतिक और प्राचीन चिकित्सा, लिपि, स्थापकला आज पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में मेसोपोटामिया ने दी है। आज पूरा विश्व भी उससे प्रभावित है और खगोल विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, नक्षत्र, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की गणना वो वर्षों पहले कर लिया करते थे। और जो आज ज्ञान है ये सब मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रभावित है। काल चक्र क्या होता है, तिथि क्या होती है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। लगभग 7,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व के मध्य उत्तरी मेसोपोटामिया के मैदानों में खेती की शुरुआत हुई थी। लगभग 5,000 ईसा पूर्व दक्षिण मेसोपोटामिया में पुराने मंदिरों का बनना शुरू हुआ। लगभग 1200 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में लेखन कार्य की शुरुआत हुई। लगभग 3,000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में उरुक का एक विशाल नगर के रूप में विकास हुआ। लगभग 2700 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के मध्य मेसोपोटामिया में आरंभिक राजाओं का शासन काल रहा, जिसमें मिगेलेश जैसे पौराणिक राजा भी शामिल थे। लगभग 2000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में कीलाकार लिपि का विकास हुआ। कीलाकार लिपि क्या होती थी? भाषा लिखना पढ़ना जो वहाँ के रहने वाले समाज में प्रचलित हुई और उसी लिपि से आगे की पढ़ाई लिखाई उन्होंने की। लगभग 2600 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में सुरेमिना भाषा के स्थान पर अवकदी भाषा का प्रयोग प्रारंभ हुआ। 2370 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में सारगोन अकद सम्राट बने। लगभग 2000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में सारगोन अकद सम्राट बने। सीरिया, तुर्की और मिस्र तथा कीलाकार लिपि का प्रसार हुआ। मेसोपोटामिया में महत्वपूर्ण शहरी केंद्रों के रूप में भारी और बेबीलोन का उद्भव हुआ। लगभग 1800 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में गणित मूल पाठों की रचना हुई। लगभग 1100 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में असीरियाई राज्य की स्थापना हुई। लगभग 1000 ईसा पूर्व लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ। 720 ईसा पूर्व से 610 ईसा पूर्व असीरियाई साम्राज्य बने। 668 ईसा पूर्व से 627 ईसा पूर्व असुर बलिवाल का शासनकाल था। लगभग 331 ईसा पूर्व सिकंदर ने बेबीलोन को प्रवेश विजित किया। सिकंदर एक महान शासक था। उन्होंने 331 ईसा पूर्व बेबीलोन पे विजय प्राप्त की थी। लगभग 1 शताब्दी ईसा 1850 ईस्वी अकादी भाषा और कीलाकार लिपि प्रयोग में रही। 1850 कीलाकार लिपि के अक्षरों को पहचाना व पढ़ा गया। मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या थी, उसने विश्व को क्या दिया और आज जो विश्व है, विश्व की जो तरक्की है, चीन हो गया, मिस्र हो गया और जो चीन हो गया, मिस्र हो गया, इज़राइल हो गया, इसके बारे में मेसोपोटामिया ने जो दिया है। मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। ये सारांश है
विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया से ही हुई थी। मेसोपोटामिया दो नदियों फरात और दजला के मध्य स्थित है। वर्तमान में यह क्षेत्र इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया सभ्यता अपने शहरी जीवन, लेखन, कला, सम्बन्धता, साहित्य, गणित, खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण मेसोपोटामिया में 5000 ईसा पूर्व से बस्तियों का विकास होने लगा था। मेसोपोटामिया के शहरी का दक्षिण भाग को सुमेर और अकद कहा जाता था। 2000 ईसा पूर्व के पश्चात बेबीलोन यहाँ का महत्वपूर्ण शहर बन गया। तब इस क्षेत्र को बेबीलोन कहा जाने लगा। लगभग 1100 ईसा पूर्व में असीरियाई ने उत्तरी क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया। तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। सभ्यता की खोज। मेसोपोटामियन की सभ्यता की खोज कैसे हुई थी और किसने की थी, इस बारे में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में सर लियोनार्ड वूली ने इराक के प्राचीन नगर उर में खुदाई करवाई थी, उत्खनन कराया था। इस खुदाई में, उत्खनन में अनेक प्रकार की मिट्टी, तख्तियाँ, शाही कब्रें, भवन तथा कलात्मक वस्तुओं के अवशेष प्राप्त हुए थे। बाद में पुरातत्वविदों ने अनेक स्थानों पर उत्खनन कराया, खुदाई करवाई, जिसके फलस्वरूप बाबुल, निनवे, निसपुर, उरूक, मारी, लगात आदि नगरों के अवशेष प्राप्त हुए। मेसोपोटामिया के बारे में ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसका आप लोग अच्छे से अध्ययन किए, इसको हल करिए। जो क्वेश्चन आंसर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति है, सत असत्य है, ये परीक्षा में आता है, इसको अच्छे से हल करिए आप लोग। और सही जोड़ियां हैं, शब्द हैं, एक वाक्य में शब्दों का उत्तर देना है, अति लघु उत्तरी प्रश्न है, इसको हल करिए, लघु उत्तरी प्रश्न है, इसको हल करिए और अच्छे से पढ़िए आप लोग। और कोई समस्या है बच्चों, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से संपर्क करिए। मैं राकेश पांडे आपको इतिहास के बारे में ज्ञान दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम हो कभी भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं, और जो जानकारी है वो मुझसे प्राप्त कर